चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन आपके चैनल आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल बाय लोग सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करेगा। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सब्जेक्ट चल रहा है, टॉपिक चल रहा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसका दो पार्ट हो चुका है, प्रश्न नंबर 95 से आज शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहली बार आप आए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 95, महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे। सही उत्तर ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले। प्रश्न नंबर 96, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे। इसका सही ऑप्शन ए, जाति विरोधी आंदोलन। प्रश्न नंबर 97, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। प्रश्न नंबर 98, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सत्य शोधक समाज। प्रश्न नंबर 99, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन से कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सत्य नहीं है। फुले ने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को अपने में समन्वित किया। भी उन्होंने छुआछूत को हिंदू धर्म का एक कलंक के रूप में लिखा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक दास्ता था। डी, वे दलित जाति के प्रथम जन नेता नहीं थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वे दलित जाति के प्रथम जन नेता नहीं थे। प्रश्न नंबर 101, सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की थी। सही उत्तर ऑप्शन है, ज्योतिबा फुले। प्रश्न नंबर 2, ज्योतिबा फुले निम्न से किससे संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन बी, जाति विरोधी आंदोलन। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए, जाति विरोधी आंदोलन। एक प्रश्न नंबर 2 का आंसर 102 का बी। प्रश्न नंबर 103, सत्य शोधक आंदोलन चलाया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले ने। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं। उन्होंने बुद्ध में अपने कबीर और क्रांतिकारी के विचार सम्मिलित थे। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म के कलंक के रूप में देखा। उन्होंने दास्ता शीर्षक को एक पुस्तक लिखी। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इसकी व्याख्या देख लीजिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में M.G. रनाडे ने की। ज्योतिबा फुले ने निम्न जाति के लिए संघर्ष किया। ज्योतिबा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की कमजोर वर्गों के हितों की अनदेखी करने के लिए उनकी आलोचना की थी। उनका कथन था कि कांग्रेस उस समय तक वास्तविक रूप में राष्ट्रीय कहलाने का अधिकारी नहीं है जब तक वो निम्न तथा पिछड़ी हुई जातियों को ध्यान में नहीं देती। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक सभा बनाई जिसका उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सके। उन्होंने सभी वर्णों के अनाथों तथा स्त्रियों के लिए अनेक पाठशाले तथा अनाथालय खोले। उन्होंने 1876 में पुणे नगर पालिका का सदस्य चुना गया। ज्योतिबा फुले के प्रकाशनों में धर्म, तृतीय रत्न, पुराणों का भंडाफोड़, इशारा, एक चेतावनी, शिवाजी की जीवनी इत्यादि अन्य पुस्तकें हैं। 1888 में लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में किसने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। सही उत्तर J.K. हिक्की, बी मैक्स मुलर, सी विल्किंस, डी विलियम जोन। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी, विलियम जोन। से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 3-4 दफा आ चुका है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन ने 1784 ईस्वी में की थी। इस संस्था के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता तथा साहित्य को उजागर करने में काफी सहायता मिली। इसकी स्थापना में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 106, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैकाले बी फ्रांसिस जेवियर, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड कार्नवालिस वाले। सही उत्तर ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग। प्रश्न नंबर 107, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान संस्थापक, बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता का मदरसा वॉरेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर विलेजी। उपयोग युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, केवल दो, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग।
ये IAS 2018 में आए थे। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी में संस्थापक वारेन हेस्टिंग, बनारस के संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डंकन, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में इसका संस्थापक लॉर्ड वेवेले जी। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वाध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा थे। ए राजा राम मोहन राय, बी माइकल मधुसूदन दत्त, श्री राधा कांत देव, डी हेनरी विवियन डेरिजो। सही उत्तर ऑप्शन डी, हेनरी विवियन डेरिजो। व्याख्या इसकी देखिए। 19वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। यह प्रवृत्ति राम मोहन राय के विचारों से भी ज्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी थी। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत एक नेता एवं युवा हेनरी विवियन डेरिजो 1809 से 31 थे। डेरिजो एंग्लो इंडियन थे जिन्हें भारत से अपार प्रेम था। वे 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में प्रधान अध्यापक रहे। उनकी प्रतिभा आश्चर्यजनक थी। वे प्रभावशाली शिक्षक थे जिन्होंने कुछ ही समय में अनेक मेघावी एवं श्रद्धालु विद्यार्थियों को अपना प्रशंसक एवं अनुयायी बना लिया था। प्रश्न नंबर 9, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? एस केशव नंदचंद, बी हेनरी विवियन डेरिजो, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी राजा राम मोहन। सही उत्तर ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डेरिजो। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? ए एक नंबर पीजेंट एंड वर्क्स कमेटी, वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा नंबर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तीसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कोडों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, यानी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडियन लेबर पार्टी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बी आर अम्बेडकर ने 1942 में अनुसूचित जाति संघ यानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना भी बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। या IAS 2012 में प्रश्न आया था। प्रश्न नंबर 111, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक अस्पृश्य जाति महार से संबंधित अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति संघ का 1942 में अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया और घोषणा की कि अनुसूचित जाति हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से त्याग देगी। उन्होंने स्वयं अपने बहुत से अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। 1924 में अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में इन्होंने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में मूक नायक पत्रिका शुरू की। वे भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री थे। प्रश्न नंबर 112, बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन किए गए? पहला, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज का स्थापना की। दूसरा कथन, 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। तीसरा, 1922 में उन्होंने डिस्पैच क्लास इंस्टीट्यूट का तीसरा उन्होंने 1922 में डिस्पैच क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। चौथा, वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, केवल 1, 2, 3 सही है, यानी उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज स्थापना की। 20 में उन्होंने पत्रिका मूलक की। 1922 में उन्होंने डिस्पैच क्लास की स्थापना की। सही उत्तर ऑप्शन ए, 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 113, 1924 ईस्वी में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर ने। प्रश्न नंबर 114, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सी ज्योतिबा फुले, बी एम मालाबारी। सही उत्तर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। इसको भी आके देते हैं। महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता को हिंदू समाज के कोड का उन्होंने अपने आश्रम अहमदाबाद में अछूतोदार का काम सबसे पहले किया। गांधी जी मानते थे कि अछूत सबसे कमजोर है, इसलिए परम पिता परमात्मा की दृष्टि से वह सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए उन्होंने अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी। दलित वर्गों को ऊपर उठाने की उनकी लालसा इतनी प्रबल थी कि कोई भी दूसरी चीज चाहे धर्मी क्यों ना इसके सामने उन्हें गौण महसूस होते था। पुनः पैक्ट के बाद गांधी जी ने अपना अधिकांश समय हरिजन उत्थान के कार्य में लगाया। इसके लिए एक अलग संगठन और कोष बनाया गया। इसकी शाखाएं देश भर में थी और कुछ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता पर इसके लिए अनेक संगठन और कोष बनाए गए। इसकी शाखाएं देश भर में थी और कुछ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं पर कार्यक्रम संचालन करने की जिम्मेदारी थी।
हरिजन सेवा संघ का मुख्यालय दिल्ली में था और सभी प्रांतों में इसकी शाखाएं थी। श्री धन श्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे और श्री ए बी ठक्कर महासचिव थे। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 115, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्व बोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा राम मोहन राय के 1833 में इंग्लैंड में अकाल मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का मार्गदर्शन नहीं रहा और इसमें धीरे धीरे शिथिलता आ गई। संस्था में नया जीवन फूकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को था। वह इस आंदोलन में 1842 में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्म वा धर्मावलियों को मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि शुरू का। उनके विचार में लकड़ी और पाषाण की मूर्तियों को ईश्वर कैसे माना जाए? ईश्वर को जिस रूप में चाहो पूजो, अर्थात कोई गायत्री मंत्र में भी पूजना चाहे अथवा किसी और साधारण रीति से पूजना चाहे तो भी ठीक है। उनके प्रभाव के अधीन हिंदू धर्म के सर्वोत्तम विश्वास और नैतिक आचरणों को बनाए रखा गया। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में की और तत्व बोधिनी नामक पत्रिका आरंभ किया। प्रश्न नंबर 116, 1906 में गठित डिस्प्रेज क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष ए अम्बेडकर भी चंद्रावर श्री गोपाल कृष्ण गोखले डी ज्योतिबा फुले। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। 1906 में गठित डिस्पैच क्लास मिशन सोसाइटी का स्थापना बी आर शिंदे ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष चंद्रावर थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रावरकर। प्रश्न नंबर 117, जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज के नेतृत्व किसने संभाला? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 119, सामाजिक तथा आर्थिक संगठन तत्व बोधिनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्व बोधिनी का प्रारंभ किसने किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 120, बंगाल में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 121, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एम जी रनाडे। महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में एक प्रार्थना समाज स्थापित किया गया। इस समाज के प्रमुख नेता न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे तथा एन जी चंद्रावर थे। इनके प्रमुख चार उद्देश्य है, जाति पाति का विरोध, पुरुष तथा स्त्रियों के विवाह की आयु बढ़ाना, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा। इसी समाज द्वारा दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा का सभा की स्थापना की गई थी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 121। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित समाज एवं संस्थापकों में कौन सी मिलित नहीं है? ए थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावटास्की, बी प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। सी आर्य समाज, केशव चंद्र सेन, डी रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आर्य समाज, केशव नंद चंद्र। व्याख्या देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में मैडम एच बी ब्लावटास्की और हेनरी स्टील आलकाट ने स्थापित किया था। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे, आत्माराम पांडुरंग तथा आर जी भंडाकर ने बम्बई में की थी। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में स्थापित किया था। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य भक्ति का असीम विश्वास और पूर्व और पश्चिम का समन्वय था। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही समय लेते हैं? दयानंद आदि समाज, एम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, सी राजा राम मोहन आदि ब्रह्म समाज, डी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। सही उत्तर ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 114, समाज सुधार एवं उनके जन्म स्थान स्थलों संबंधी निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? आर्य समाज बम्बई, प्रार्थना समाज बम्बई, वेद समाज पंजाब, देव समाज यूपी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वेद समाज पंजाब। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। आर्य समाज 1875 में
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी, बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में चला गया। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद सेन की प्रेरणा से 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में की थी। वेद समाज पंजाब में स्थापित नहीं किया गया था, वेद समाज की स्थापना यूपी के अंदर हुई थी। इस प्रकार विकल्प डी गलत है। प्रश्न नंबर 125, सही क्रम में लिखे। ए आर आर्य समाज, दूसरा ब्रह्म समाज, तीसरा थियोसोफिकल सोसाइटी, चौथा रामकृष्ण मिशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 2-1-3, यानी सबसे पहले आपका था ब्रह्म समाज, फिर आता आर्य समाज, फिर थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने 1828 में कलकत्ता में की थी। आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 बंबई में दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने 1897 में थियोसोफिकल सोसाइटी की थी। 1875 में कर्नल एच ए आलकर्ट तथा मैडम एच पी ब्लावस्की ने की थी। 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट के भारत में आने पर थियोसोफिकल आंदोलन भारत भर में व्याप्त हो गया है। प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। ए तुलसीदास, दूसरा राजा राम मोहन ने, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। सही उत्तर ऑप्शन बी 1-2-3, 1-2-4-3, यानी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में, स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 127, ब्रिटिश शताब्दी में महिलाओं द्वारा और महिलाओं के अनेक संगठन बनाए गए, निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रम क्रम है। ए ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, दूसरा मद्रास वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, तीसरा महिला राष्ट्रीय संघ, चौथा नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2-4-1, यानी सबसे पहले आता है मद्रास वुमेन्स एसोसिएशन, फिर चौथे नंबर पर आता है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, फिर पहले पे आता है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, फिर सबसे लास्ट में आता है महिला राष्ट्रीय संघ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मद्रास वुमेन एसोसिएशन की स्थापना थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा 1918 में मद्रास में, नेशनल कॉलेज ऑफ वुमेन्स की स्थापना मुंबई में मेरी बाई टाटा द्वारा, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना दिल्ली में 1927 तथा और माइग्रेट काउंसिल द्वारा, जबकि राष्ट्रीय महिला संघ की स्थापना 1928 में लतिका घोष द्वारा बंगाल में किया गया था। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्न चैनल को देखने के लिए वीडियो का अंत तक देखिएगा, वीडियो का अंत तक देखिएगा, देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब करिएगा।